नमस्कार, कैसे हैं? मैं राकेश, आप लोग का स्वागत करता हूं। और नए वर्ष में हम लोगों ने एक दूसरे से काफ़ी बातें शेयर की, अच्छा लगा। अब ये जो मेरा वीडियो है, बेसिकली अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे लिए सारी वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी में एक बहुत अच्छी पोस्ट का नोटिफिकेशन हुआ है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि PCS इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और इस पद का नाम है समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। हम बेसिकली इसमें दो पोस्ट हैं, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। 400 से ज्यादा कुल पोस्टें हैं, मुझे लगता है 450-460 के अराउंड पोस्टें हैं। ये पोस्टें बाद में बढ़ भी सकती हैं, अमूमन ऐसा होता है आयोग की वैकेंसीज में कि बाद में अगर कुछ और पोस्टें आती हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाती हैं। इस पे बड़ा थोड़ा सा ना बच्चों में बड़ा कौतूहल है या बहुत कंफ्यूजन की स्टेट है कि समीक्षा अधिकारी क्या है, इसकी परीक्षा के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और वो हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारी जो क्वालिफिकेशन है उसके चक्कर में समस्याएं आ रही हैं। मैं सभी स्टेट के जो भी ग्रेजुएट है और जो हम आके डिस्कस करेंगे, अगर वो एलिजिबिलिटी बनती है तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा, बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये। और ये अच्छा, इसका हायरार्की इसमें अच्छी है, प्रमोशन इसमें अच्छा है। इसके बाद जो वर्क कल्चर है काफी इम्प्रेसिव है, आप लोगों को काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है जीवन में, पॉलिसी मेकिंग में सीधी सीधे आप लोगों का रोल होता है। तो कुल मिला के PCS के स्तर की वैकेंसी नो डाउट कहा जाएगा इसको। पहले जो डिस्कस करते हैं क्या सीन है, देखिए मैंने कुछ जगह ये बिट्स रख दिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले जो ये पोस्ट है, इसका नोटिफिकेशन हो गया है और पूरे जनवरी भर फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप लोग UPPCS की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज हैं फीस सबमिट करने, और उसके बाद फीस सबमिट करने के बाद फाइनली फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अप्रूव करके अपना फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म जरूर फिल कीजिए। उससे पहले क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, आपको जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, देखिए ये दो प्रकार की पोस्टें हैं, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ग्रेजुएशन मानी गई है इसमें। रिव्यू ऑफिसर में अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में हैं, जैसे कि सचिवालय में है, गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे सचिवालय हो गया, विधानसभा हो गई या लोक सेवा आयोग हो गया, वहां पर समीक्षा अधिकारियों के सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन किया मांगा गया है। लेकिन अगर कुछ पोस्टों को छोड़ दें तो बाकी सबके लिए कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति जो है ना वो एलिजिबल होगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चाहे स्नातक या ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से हैं, आप लोग एलिजिबल होंगे। अगर हम रिव्यू ऑफिसर फिनेंस को छोड़ दें क्योंकि उसमें कॉमर्स से ग्रेजुएट मांगा हुआ है, उसके अलावा आप बाकी कोई प्लेन ग्रेजुएट समीक्षा अधिकारी के लिए बेधड़क एलिजिबल है, आप लोग प्लीज फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। साथ में इसमें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो पोस्ट है, इसमें एक कंप्यूटर का सर्टिफाइड कोर्स मांगा गया है जिसे डोएक ओ लेवल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डोएक का ओ लेवल कोर्स है ना, एक सर्टिफाइड कोर्स होता है। तो अगर आप लोगों ने इस कोर्स में एनरोल भी जिसने कर दिया है वो भी एलिजिबल हो जाएगा, अगर वो इस परीक्षा के पूर्ण होने से पहले खत्म इस पूरे प्रोसेस से खत्म होने से पहले ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है तो भी एलिजिबल है। एटलीस्ट अगर आपने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और डोएक ओ लेवल की जो बाध्यता है वो सिर्फ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है सर, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और हिंदी में टाइपिंग असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो इन दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि डोएक ओ लेवल जिनके पास नहीं है वो समीक्षा अधिकारी का ही फॉर्म नहीं भर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रिव्यू ऑफिसर के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं, इस चीज को मानिएगा आप लोग और बेधड़क होकर फॉर्म भरिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब आगे बात ये आती है कि पैटर्न क्या होता है इसका। हाँ, मैंने कई बार बताया आपको कि सभी परीक्षाओं की तैयारियां लगभग एक जैसी होती है, हम अलग अलग परीक्षा के हिसाब से अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते और अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि 2 महीने हमने इसके अकॉर्डिंग तैयारी की, 2 महीने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की, ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी एक PCS लेवल की तैयारी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव चलने वाला एक प्रोसेस है, सतत एवं व्यापक, और ये निरंतर चलते रहना चाहिए। उस बीच में परीक्षाएं आती हैं और वो आपको निकालनी चाहिए। अब इसका पैटर्न बता दूं, इसमें दो स्टेजेस हैं आपकी। पहली स्टेज आपकी प्रीलिम्स है, मेनली दो स्टेज, तीसरा स्टेज टाइपिंग का है, एक्चुअली टाइपराइटर पे, ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। रिटर्न्स के एग्जाम के अगर देखें तो दो स्टेज हैं, पहला प्रीलिम्स है जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका,
कितने का होगा, 200 मार्क्स का, इसमें 140 मार्क्स का जीएस होता है और 60 मार्क्स का हिंदी होता है। 7 नंबर के 6 टॉपिक होते हैं और 10-10 के होते हैं, ये वो टॉपिक है। एग्जैक्टली यही आते हैं, 10 विलोम शब्द आएंगे, 10 वर्तनी वाक्य शुद्धि आएगी, फिर 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 तत्सम तद्भव, 10 विशेषण और विशेष, और 10 पर्यायवाची, यही आते हैं। और इसके जो प्रीवियस ईयर है ना समीक्षा अधिकारी के और आयोग के जो प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर हैं वो भी कर लेंगे तो काम निपट जाएगा। बाकी आदित्य पब्लिकेशन वगैरह की बुक भी आती है तो भी काम आपका निकल जाएगा। अगर आपको 6 टॉपिक जान लगे करने हैं काम निकल जाएगा। ये आपका प्रीलिम्स है। अभी तक क्या होता था, अगर आप अमूमन हर साल आयोग में वैकेंसी निकलती है और अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो कट ऑफ चली जाती थी करीब 145 प्लस के आसपास रहती थी, 145 से 150 के बीच में, इन बिटवीन देयर। लेकिन अभी क्या हो गया, सबसे बड़ा खेल क्या हो गया, ये हो गया मतलब यूपीपीसीएस कंप्लीटली यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने जा रहा है और इसका एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने 1/3 का नेगेटिव लगा के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो अगर आपने गलत कर दिया तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये बहुत हार्ड रेशो है जो कि सिर्फ यूपीएससी ही अपनाता है और कुछ आयोग अपनाते हैं। तो इससे आपको ये भी आहट मिलती है कि आपका यूपीपीसीएस 2018 कैसा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा कुछ अपने चीजों को मोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इसमें पेंडुलम कहां शिफ्ट होने वाला है कि अभी जो हम आदत हो गई थी आयोग में यूपीपीसीएस में तुक्के मार देने की, उससे बचना होगा। उतनी ही चीजें अटेम्प्ट करनी होंगी प्रीलिम्स में या बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल आपका जहां भी होगा, कि जितना आता हो उतना ही करना है, अदरवाइज हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये पहला स्टेज आपका हो गया, पहला स्टेज क्वालिफाइंग है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मेंस कहते हैं इसको। सेकेंड स्टेज में एक पेपर फिर जीएस का आता है जो कि 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हिंदी लगभग 160 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है, 160 की यहाँ पे आ गई, 60 नंबर की प्रीलिम्स में आ गई। तो हिंदी का एक बहुत बड़ा वजूद है, आप लोग को याद रखना होगा रेलवे ऑफिसर के लिए, और बहुत आसानी से मेहनत करके आप या फिर सिलेक्शन तक आपको लेके जा सकती है, ठीक है। और इसमें जो तीसरा पेपर होता है वो निबंध का होता है, निबंध 120 मार्क्स का, 40 मार्क्स के 3 निबंध, 40 40 40, ठीक है। अब पहले इसको डिस्कस कर ले, जीएस जैसा प्रीलिम्स है वैसा है मेंस का जीएस है, नो चेंजेस। जीएस हम जैसे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, वही जीएस। साथ में हिंदी में क्या है, हिंदी में, हिंदी को अगर मैं तोड़ूं तो फिर से इसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा इसकी तरह, जैसा पिछली बार हुआ था, जैसे प्री में होता है। बस इसमें आप पर्यायवाची हटा दीजिए, इसमें पर्यायवाची हटा दीजिए। मेंस के जो हिंदी है वो 160 नंबर की है, जिसमें 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है और 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ये 5 टॉपिक आएंगे और ये 12-12 अंक के हो जाएंगे। मेंस में कितने अंक के हो जाएंगे, 12-12 अंक के हो जाएंगे। ये आपका मेंस का हिंदी हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। अब डिस्क्रिप्टिव जो 100 मार्क्स का हिंदी है वो यहां पर खेल है। यहां क्या है, इसमें गद्यांश जो शीर्षक वगैरह सार लेखन वगैरह जाता है ना गद्य वगैरह लिखने के लिए, पैराग्राफ राइटिंग, वो टोटल 21 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है, 21 मार्क्स का। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स की जो पैटर्न होते हैं, उसकी जो टेस्ट होंगे, वो लेटर राइटिंग आपकी करीब 15 नंबर की है। कितने की है, 15 नंबर की है। फिर पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस, आपस में पत्राचार के जो लेटर होते हैं ऑफिशियल से भी, ये करीब होगा 24 अंक का, ठीक है। इसी तरह पारिभाषिक शब्दावली जो ट्रांसलेशन वगैरह होती है 30 अंक की, और कुल मिला के, और थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज है तो कुल मिला के 100 अंक हो गया। और एक टोटल हिंदी हो गई 160 अंक की। बाद में ऐसे हो गया, 3 ऐसे करने हैं आपको, 40 40 40 40 ईच। ऐसे में देखिए क्षेत्र में डिसाइड किए, एक ऐसे आएगा आपका लिटरेचर कल्चर से रिलेटेड, लिटरेचर कल्चर या सोशल जो बैकग्राउंड है ना, सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर, समझ रहे हैं। दूसरा एक जो आएगा वो विज्ञान से संबंधित, विज्ञान वगैरह, विज्ञान आर्थिक कृषि व्यापार समझ लो, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, इकोनॉमी बेस्ड। तीसरा जो ऐसे होता है वो इंटरनेशनल नेशनल रिलेशंस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर आपकी राय मांगी जा सकती है, जैसे कि या तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके ऊपर, या उस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं उसके विषय में, या जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं स्टेट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा आ जाता है और उसको स्टेट के साथ मिक्स कर देते हैं। ये आपका एससी हो गया।
ठीक है, मेंस पे कंप्लीटली मेरिट बनती है और इसके बाद व्यक्ति जाता है स्किल टेस्ट के लिए जो कि हिंदी। अच्छा हाँ, एक पेपर और इंक्लूड किया गया है, हिंदी या इंग्लिश आप ले, सॉरी एक पेपर इंक्लूड किया गया जो आरओ हिंदी है और एक पेपर इंक्लूड किया गया वो जो आरओ उर्दू है। इसमें इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको 33 नंबर मतलब 33% मार्क्स पाने होते हैं, तो उस मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ क्वालिफाइंग उसको करना, क्वालिफाई करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ट्रांसलेशन बेसिकली उसमें ज्यादा होता है। ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। इसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं टाइपिंग के लिए, जिसमें हिंदी की टाइपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और रिव्यू ऑफिसर में इंग्लिश टाइपिंग भी है। तो ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था, इस पर्पस इसलिए था बिकॉज बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी कन्फ्यूजन के कारण आप इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाए और बाद में हमको फिर रिग्रेट हो, है ना। ईमानदारी से तैयारी कीजिए और कोई भी समस्या है तो आप लोग के आगे मैं हाजिर हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ये परीक्षा ना प्रपोज है अप्रैल में होने के लिए, ठीक है। अभी हम जीएस जैसे चला रहे चलाएंगे, बाद में कुछ रिव्यू ऑफिसर के लिए मैं कुछ देखूंगा, अगर कुछ तैयार हो सका तो उसमें जरूर कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के जो सुझाव है उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल होना है तो अब नेगेटिव मार्किंग की आदत डाल लीजिए। आयोग पूरी तरह से बदल चुका है, लगभग अब हर जगह आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग मिलने के साथ अब मैं बता दूं कि इतना तीर कमान नहीं होगा, है ना, इतनी ऊपर मेरिट शूट नहीं करेगी। जो 70-70% तक मेरिट जा रही थी, 75% तक मेरिट जा रही थी, आप देखेंगे कि 55-55% पे सिलेक्शन होगा, मतलब 100 से 105 नंबर पे सिलेक्शन दिखेंगे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाले, ठीक है। आई होप मेरे को आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल जरूर लगेगी, और इसमें अगर कुछ और ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कमेंट बॉक्स में उसको ऐड करेंगे। फौरी तौर पे इतनी जानकारी बहुत है, अब ज्यादा रिसर्च मत करिए, पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है, फिर यूपी पीसीएस के बारे में अच्छे से बात होती रहेगी। तब तक थैंक यू सो मच।